हाय गाइज, वेलकम बैक इन IoT प्लेलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं होम ऑटोमेशन, या कह सकते हो कि स्मार्ट होम कैसे बनाया जाता है यूजिंग IoT। तो अपन सारी डिटेल पढ़ेंगे। पहले तो स्मार्ट होम में क्या क्या नीड होती है, कैसे कौन कौन से सेंसर्स या रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, एंड अपन डीपली देखेंगे एक एक चीज़। ओके, तो बी इन द वीडियो एंड कंसनट्रेशन के साथ देखना, ताकि आपको कम्प्लीटली नॉलेज हो सके कैसे लाइट का वर्क हो रहा है, फैन कैसे ऑन हो रहा है, या लाइट का कलर कैसे चेंज हो रहा है। ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। फॉर मेकिंग योर होम स्मार्ट, यू नीड स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट एप्लीहेंसेज, इंट्रूजन डिटेक्शन, स्मोक एंड गैस डिटेक्टर्स। तो बात करेंगे स्मार्ट लाइटिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। सो स्मार्ट लाइटिंग का ये रीज़न है कि अपन एनर्जी सेव कर सकते हैं बाय सेंसिंग द ह्यूमन मूवमेंट। लाइक कमरे से बाहर कोई चला गया तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सॉलिड स्टेट लाइटिंग चाहिए, सच एस LED, IP इनेबल्ड लाइट चाहिए, वायरलेस इनेबल एंड इंटरनेट कनेक्टेड लाइट्स कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली फ्रॉम द IoT एप्लीकेशन सच एस मोबाइल और वेब एप्लीकेशन। यानी वेब एप्लीकेशन के थ्रू अपन लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं बैठे बैठे, एंड सेंस भी कर सकती है लाइट अगर ह्यूमन बाहर चला जाता है तो। उसके थ्रू अपन स्मार्ट लाइटिंग अचीव कर सकते हैं और लाइट की एनर्जी को सेव कर सकते हैं। इन्हें इंट्रूजन डिटेक्शन, तो अपन क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी कैमरा यूज करेंगे और सेंसर डिटेक्ट करेंगे कि कोई इंट्रूजर आया है तो एक अलार्म रेज कर दे, लाइक SMS, ईमेल या इमेज आपके पास वहाँ पर पहुँच जाए ईमेल अटैच होके, ताकि आपको पता चल जाए कौन पर्सन अपने घर के अंदर घुसा है। एंड ऑल द थिंग्स वी कैन डू दिस। ओके, एक पेपर भी पब्लिश हुआ था होम ऑटोमेशन, जिसके अंदर इंट्रूजन डिटेक्शन के बारे में डीपली बात हुई थी, जो नीचे डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने। इन्हें स्मोक डिटेक्टर या गैस डिटेक्टर में क्या करता है, ये ऑप्टिकल डिटेक्शन, आयनाइजेशन एंड एयर सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करके स्मोक को डिटेक्ट कर लेता है पहली बात। ठीक है, गैस डिटेक्टर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेज सच एस CO, ठीक है, LPG गैस, इनकी लीकेज के थ्रू ये गैस डिटेक्ट करेगा, स्मोक का मैंने बता दिया। अब बात करें कौन कौन से रिसोर्स की नीड पड़ती है, तो देखो IoT सेंसर्स, IoT गेटवेज, IoT प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, ZigBee, ब्लूटूथ, Wi-Fi, ठीक है, IoT फर्मवेयर, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन कोई आउटसाइडर आपका होम कंट्रोल ना कर सके, केवल आप ही कर सके। IoT क्लाउड एंड डेटाबेस लाइक Azure हो गया आपका, AWS हो गया, ठीक है। IoT मिडलवेयर की नीड होती है। अब बात करूँ राइट साइड में क्या दे रखा है, राइट साइड में बता रखा है कि क्या क्या चीज़, लाइक स्मार्ट लॉक, स्मार्ट एनर्जी मीटर हो गया, स्मार्ट स्विचेस, AI का आपको डिजिटल एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर चाहिए, बेटर इंफोटेनमेंट डिलीवरी होनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए। दीज आर सम सेंसर दैट इज यूज्ड वाइल मेकिंग द स्मार्ट होम, लाइक टेम्परेचर सेंस करने के लिए लक्स सेंसर होता है, लाइक आपके घर में डार्कनेस आ गई, लाइक सनसेट होने वाला है तो घर में अंधेरा होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली रूम का कलर चेंज हो गया, लाइट का लाइट जल जाएगी, लाइट का धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। वाटर लेवल आपको समझ में आ गया होगा, एयर कंपोजिशन आ गया होगा, वीडियो कैमरा आ गया होगा, वॉइस सेंसर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, इंफ्रारेड हो गया एंड वाइब्रेशन सेंसर। सो दीज आर सम सेंसर दैट इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग द स्मार्ट होम। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट होम, तो यहाँ पे देखो Wi-Fi, ब्लूटूथ, सिग्फॉक्स, ZigBee, Z-Wave, इन सब का नीड पड़ेगा। ये क्या है, प्रोटोकॉल्स है, HTTP, लाइक ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिस्टम बोर्ड, डैशबोर्ड मिल जाता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, यूजर आइडेंटिटी, ठीक है, डिवाइस, पूरा कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, डेटाबेस, डिवाइस का बिहेवियर, APIs जो भी आप यूज़ करोगे, क्लाउड मैनेजमेंट, ठीक है, सेंसर्स के लिए अलग अलग डिवाइस यूज़ करोगे, स्मार्ट डोर एंड अलग अलग, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग ये HTTP लगेंगे, लाइक Wi-Fi, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ किसके लिए लगेगा, स्मार्ट लॉक के लिए लगेगा, ठीक है, Wi-Fi कैमरे के लिए लगेगा, ZigBee किस लिए लगेगा बताओ, आपके कमरे का कलर यानी लाइट का चेंजेस के लिए अपन ZigBee भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू स्मार्ट होम, एंड एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप और पढ़ाई कर सकते हो। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।